सुमङ्गलीर्यं वधूलिमां समेत पश्यत् सौभाग्यस्मै दत्त्वाय धास्तं विपरेतन् त्वा दुर्गार्हपत्यायते वा। पाणी ग्रहण का मुहूर्त हो चुका है राजमाता, कन्या को बुलाइए। कन्या आ गई है महामहिम भीष्म। विवाह करने आ गई हस्तिनापुर के मंडप में। किंतु देवी, मैंने आपको शाल्व नरेश के पास जाने की अनुमति दे दी थी। महाराज, शाल्व को आपने पराजित किया है भीष्म। भरी सभा में महाराज शाल्व ने मुझसे कहा कि आपने मुझे जीता है, इसलिए मुझ पर केवल आपका अधिकार है। मैंने जो कुछ भी किया विशुद्ध हृदय से किया देवी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। किंतु आपके साथ जो कुछ भी हुआ मुझे उसका दुख है, और मैं स्वयं आपके साथ चलूंगा शाल्व महाराज के पास। नहीं, नहीं, नहीं। विवाह में पुरुष भिक्षार्थी होता है, दान पुरुष को दिया जाता है, स्त्री को अधिकार मिलता है महामहिम भीष्म। मुझे दान नहीं, अधिकार चाहिए। आपने भरी सभा में अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन करके मुझे जीता है। अब मेरा विवाह होगा तो केवल आपके साथ, गंगा पुत्र भीष्म, 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 भीष्म। मुझे क्षमा करें देवी, किंतु यह संभव नहीं है। मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है। और मैं वही व्रत तुड़वाने आई हूँ यहाँ भीष्म। प्रण तोड़ने से जीते जी नरक यातना मिलती है मनुष्य को। मैं चाहती हूँ कि वो नरक तुम भोगो। मेरी सारी पीड़ा, सारी हताशा का कारण तुम हो गंगा पुत्र भीष्म। जो पीड़ा तुम्हारे कारण मुझे मिली है, उससे भी अधिक पीड़ा तुम्हें भोगनी होगी। लगता है तुम्हें न्याय की नहीं, प्रतिशोध की खोज है। हाँ, प्रतिशोध राजमाता। जिस प्रतिशोध को समाज की सम्मति हो वो न्याय बन जाता है। यहाँ क्या मुझे न्याय मिलेगा? मैं आर्यव्रत के प्रत्येक राजा के पास जाऊंगी, तुम्हारे सामने प्रचंड सेना लेकर आऊंगी। जाने दो राजकुमार, आर्यव्रत की राज्यसभा में उन्हें यह ज्ञान होगा कि भीष्म के विरुद्ध उन्हें कहीं से कोई सहायता नहीं मिलेगी। रुकिए देवी अंबा। ये सत्य है कि मेरे सम्मुख कोई भी शस्त्र उठाने का साहस नहीं करेगा, और मेरे विरुद्ध आपकी बात भी कोई नहीं सुनेगा, और ये अधर्म होगा। आरोप सत्य हो या मिथ्या,
आरोपी सामान्य मनुष्य हो या राजा, उसकी बात को धैर्य और समभाव से सुनना ही चाहिए और उसके प्रश्नों का निराकरण भी होना चाहिए। इस विश्व में तभी धर्म टिक सकता है। आप मेरे गुरु श्री परशुराम की शरण में जाइए। और यदि मैं दोषी हूं तो मुझे दंड देने की शक्ति केवल मेरे गुरु भगवान श्री परशुराम में है। महाभारत।